गुड आफ्टरनून एवरीवन, मायसेल्फ प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, नचिकेता कॉलेज, विजयनगर, जबलपुर. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण. एज वी नो दैट व्हेन द वाइट लाइट कम थ्रू द स्लिट्स एंड आफ्टर दैट इट पास थ्रू द प्रिज्म, इट डिवाइड its seven colors, its seven elementary colors. We can say, यदि कोई भी प्रकाश को एक हम narrow slit से होकर गुजारें और उसके बाद उसे हम prism से होकर pass करें तो वो अपने सातों कलरों में defect विभक्त हो जाती है, जैसे कि आपको चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है. बहुत ही आसानी से समझाने के लिए एक छोटा सा चित्र यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है. आप देखेंगे कि मैंने एक व्हाइट लाइट को सबसे पहले एक स्लिट से होकर गुजारा हुआ है, उसके बाद मैंने एक प्रिज्म रखा हुआ है. जैसे ही प्रिज्म से होकर लाइट पास होती है वो अपने सातों कलर में विभक्त हो जाती है. आप देख रहे हैं वो सातों कलर को मैंने BIBGYOR दैट इज विबग्योर. याद रखने के लिए तरीके आपने सीखे होंगे इंग्लिश में विबग्योर और हिंदी में उसी को वैन जानी हपी नाला, यानी बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल. इस तरीके से याद रखने के तरीके हो जाते हैं. चलिए, यह फिनोमेना जो होता है इसी को कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण. पुनः प्रकाश का किसी प्रिज्म से होकर अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है. अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है. इसका होने का एक ही कारण है कि जब व्हाइट लाइट को हम एयर या वैक्यूम में से होकर गुजारते हैं तो उसकी वेलोसिटी में, उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. लेकिन जब व्हाइट लाइट को किसी माध्यम, किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कि हमने प्रिज्म लिया हुआ है, प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो उस प्रकाश के सभी अवयवी कलरों की स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वो प्रत्येक कलर के लिए अलग अलग होती है. अतः हम कह सकते हैं कि प्रिज्म अलग अलग कलर के लिए अलग अलग माध्यम के जैसे कार्य करता है. या हम कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट में जो सेवन कलर्स होते हैं उनके लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है. इसी वजह से जो प्रकाश यहां से डिस्पर्स होता है वो उन कलरों के हिसाब से जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक होता है वो अपने एक्चुअल पाथ से एक निश्चित एंगल से डाइवर्स होता है, विस्थापित हो जाता है. जिस वजह से हम देखते हैं कि स्क्रीन पर अगर हम वो सारे कलर्स को ले लें तो स्क्रीन पर हमें सेवन कलर्स अलग अलग फ्रिंजेस के रूप में दिखाई देते हैं. ये अलग अलग एंगल से होने वाली बेंडिंग की वजह से लिया जाता है. हम जानते हैं कि किसी भी चीज का अपवर्तनांक जो होता है वो सी अपॉन वी के द्वारा डिनोट किया जाता है. अब हम जानते हैं कि सी सभी चीजों के लिए प्रकाश की लाइट जो कि वैक्यूम या एयर में ली जाती है वो फिक्स है, लेकिन अलग अलग माध्यम में अलग अलग होने की वजह से यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदला हुआ मिलता है. अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी व्हाइट लाइट या दृश्य प्रकाश दिया जाता है, विजिबल लाइट ली जाती है, उसमें जो सेवन कलर्स होते हैं उनकी रेंज लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच मानी जाती है. अतः जो भी कलर्स जनरेट होते हैं उनकी वेवलेंथ इसी रेंज में हमें मिलती है. अब हम देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी की बात करें तो वायलेट कलर की वेलोसिटी जो होती है वो सबसे कम और रेड कलर की वेलोसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है. इसी ऑर्डर में आने वाले बीच में जो भी कलर्स होते हैं उनकी वेलोसिटी डिफाइन होती है. अब वेलोसिटी के आधार पे अगर हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालें तो हम देखेंगे कि वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक आएगा
वो सबसे ज्यादा, और रेड कलर के लिए जो अपवर्तनांक आता है वो सबसे कम होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्पर्सन एंगल बनता है वो डेल, ये वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा। आप देखेंगे कि एक्चुअल में इस रेस को अगर इसके अगर प्रिज्म नहीं होता तो इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन माध्यम चेंज होने की वजह से वो अपने एक्चुअल पाथ से मिस हो जाती है और एक पर्टिकुलर एंगल से बेंड हो जाती है। हम देख रहे हैं कि वॉयलेट कलर के लिए अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता है, जबकि रेड कलर के लिए अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये सबसे कम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब भी व्हाइट लाइट किसी भी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरेगा तो वो सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाता है। इसी फिनोमेना को कहा गया है डिस्पर्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का व्यतिकरण। आगे हम इसकी निर्भरता जो है वो फ्लिंट और क्राउन कांच के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगी, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से होंगे, वेलोसिटी किस तरीके से होगी, एक टेबल और एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, यहां हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास फॉर द डिफरेंट कलर्स टेबल बनाई हुई है। इसमें आप देखिए कि हमने कुछ कलर्स लिए हुए हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, उसके रिस्पेक्टिव वेवलेंथ को हमने इस टेबल में दर्शाया हुआ है, और साथ ही क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो शो किए जाते हैं या जो होते हैं उनको भी हमने यहाँ दर्शाया हुआ है। आप देखें, इस टेबल से अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे अगर हम उस लाइट के सेवन कलर्स का ऑर्डर को फॉलो करें तो देखते हैं कि उसकी वेवलेंथ तो एंगस्ट्रॉम में बढ़ती है। यहां देखेंगे 3969 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, जबकि रेड कलर के लिए 6523 एंगस्ट्रॉम है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते जाते हैं, डाउन होते हैं। आप देखेंगे 3969 के लिए 1.532, जबकि 6563 एंगस्ट्रॉम के लिए 1.515 है। सिमिलरली फ्लिंट ग्लास क्राउन ग्लास की अपेक्षा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, लेकिन ऑर्डर सिमिलरली फॉलो करता है कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। इसी को हमने एक ग्राफ के माध्यम से आप तक समझाने की कोशिश की हुई है कि इसमें हमने यदि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया हुआ है, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, और इसी प्रकार पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो हमने वेवलेंथ लैम्डा को एंगस्ट्रॉम की यूनिट में लिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ प्लॉट मिलेगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है ग्राफ का स्लोप नीचे की तरफ डाउन होता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करने पर, वेवलेंथ के बढ़ने पर आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साथ ही आपका वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चेंज होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ बढ़ने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती है। तो आज हमने देखा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इन ब्रीफ फिर से बताना चाहूंगा कि जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी स्लिट से होकर प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो वह अपने सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसीलिए कई स्थानों पर व्हाइट लाइट के स्थान पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यानी एक वर्णी प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमें एक पर्टिकुलर सिंगल स्लिट के द्वारा सिंगल इमेज मिले और ऑब्जर्वेशन आसानी से किया जा सके। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और शासन के नियमानुसार अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।